आइए, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में। अक्सर बच्चों में दिखाई देती है, 8-10 साल के उम्र से 25 साल की उम्र तक ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है ये डिसऑर्डर। और इसमें जानवरों के साथ में या लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम ये बच्चों को आता है, लोगों के साथ में ज़्यादा। ऐसा लोगों के साथ में गुंडागर्दी करना, लोगों को धमकाना छोटी छोटी बात के ऊपर, धौंस देना, जानवरों के साथ में बहुत निर्दयता से या क्रूरता से व्यवहार करना, जानवरों को मारना, पिटाई करना, मालूम नहीं कुछ भी कारण रात में नहीं रात में मारेगा वो, लोगों को भयभीत करना, ऐसी एक्टिविटी करना कि लोग भयभीत हो जाएंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर लोगों से झगड़ा करना, झगड़ा मोल लेना जानबूझ के, हथियार वापरना पास में ताकि लोगों को डर लगे कि भाई क्या है इसके पास में, कब मारेगा क्या, कुछ ऐसा हथियार वापरना अपने साथ में, या लोगों के साथ में छोटी छोटी बात के ऊपर क्रूरता से व्यवहार करना, जानवरों के साथ में निर्दय बनना, चोरी करना, ऐसी छोटी बात के ऊपर चोरी करना कि जो कोई चीज़ ज़्यादा काम की भी नहीं है, कोई कीमती भी नहीं है, मगर वो चोरी करेगा क्योंकि उसको उसको बहुत किक बैठती है, मज़ा आता है उसको। फिर सेक्स के लिए मतलब लैंगिक संबंध के लिए लोगों को प्रेशर करेगा, फोर्स करेगा लैंगिक संबंध के लिए, और उसमें फिर फंस जाएगा। कहीं आग लगाना प्रॉपर्टी को, जानबूझ के कुछ तो भी अनाज को आग लगा देगा, कुछ प्रॉपर्टी को आग लगा देगा, कपड़ों को आग लगा देगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर लेगा, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करेगा, किसका घर फोड़ देगा, कार तोड़ देगा। फिर छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करना और झूठ बोलना, छोटी बात के ऊपर ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि झूठ क्यों बोल रहा भाई ये, मगर झूठ बोलेगा कुछ बात के ऊपर। फिर रात में देरी से घर में आना, बहुत देर तक बाहर घूमना, और बहुत लेट नाइट घर में आना, या घर से भाग जाना, मतलब ओवरनाइट कहीं घर से भाग गए और 2-3 दिन बाहर ही रहे। अभी मेरे पास में एक व्यक्ति आए थे, काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं, और उनका उनका लड़के का ऐसा है कि भाई कोई ज़्यादा लफड़ा बाहर नहीं है, मगर ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ सब उसमें एक्टिविटी दिखती है ये पूरी की पूरी, और घर से वो 2-3 दिन गायब हो जाता। उसको पूछा कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, तो बोलता नहीं है। उसकी उम्र के बच्चों के साथ में घूमेंगा फिरेंगा, अब नाइट आउट करेगा, फिर शराब पियेंगे, धूमधाम करेंगे, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, फिर आ जाएंगे घर पर। अच्छा, घर में पैसे भी ज़्यादा मांगता नहीं, सब लोग मिलकर खर्चा करते हैं या सस्ते में मस्त पार्टी करते रहते हैं, स्कूल कॉलेज में जाने का नहीं। 2-3 दिन के बाद में उसको जब ढूंढे आते हैं पेरेंट्स की, वह कहीं कहाँ गया, पुलिस में कंप्लेंट करो, तो कहीं मिल जाएगा या खुद होकर वापस घर में आ जाएगा, या कहीं उसका आता पता लग गया कि भाई ये दोस्त के घर में होगा या दोस्त के फ्लैट के ऊपर होगा, ये रात भर वहाँ नाइट आउट किया होगा, तो वहाँ पेरेंट जाके उसको लेके आएंगे, तो फिर घर पर बड़े मुश्किल से आएंगे, फिर चले जाएंगे कहीं। तो मतलब ऐसा कंडक्ट डिसऑर्डर उसको था, और बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डिसिप्लिन नहीं घर में पहले से, मतलब दादा दादी घर में है, उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से उसको बड़ा किया, जो मांगा वो दे दिया, और कुछ बोलना ही नहीं, कभी भी किसने कुछ बोला तो वो दादा और दादी बहुत गुस्सा करते थे कि नहीं नहीं इसको नहीं बोलना कुछ, उसने जो भी मांग लिया वो देते थे, जो भी रात में 12 बजे भी कुछ मांग लिया तो उसको मिल जाएगा जो चाहिए वो, तो इतना लाड़ प्यार में, इतना पैम्पर्ड चाइल्ड। और फिर वो धीरे 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 जैसा लेट आ रहा है तो उसको कंट्रोल नहीं किया। क्या होता है कि बच्चे एकदम बिगड़ते नहीं है, हमारे पास में जब लाते हैं ना तब तक बहुत लेट हो जाता है, बच्चे एकदम बिगड़ते नहीं है। जब वो कभी रात को 9 बजे घर पे आने वाला लड़का यदि कोई दिन 11 बजे आता है या 12 बजे आता है तो वो एक येलो अलर्ट है, मतलब एक धोखे की निशानी, धोखा समझ में आना चाहिए उस समय कि नहीं कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। फिर और कोई दिन वो लेट आता है, मालूम होना चाहिए कि अरे कुछ तो भी हो रहा है, आजकल अकेला बैठता है, आजकल ज़्यादा फ़ोन के ऊपर है, वो ज़्यादा फ़ोन वापर रहा है, फ़ोन के ऊपर मोबाइल के ऊपर बहुत खेल रहा है खेल, अकेला रूम में बैठते रहता है, लैट्रिन में बहुत ज़्यादा बैठता है या टॉयलेट में बैठता है बहुत ज़्यादा, या स्नान करने के समय बहुत ज़्यादा बैठेंगे और स्नान करेंगे, मतलब ऐसे कुछ तो भी उसके, या कॉलेज स्कूल में नहीं जा रहा है। आजकल नए दोस्त उसको दिख रहे हैं, नए नए दोस्तों के साथ में वो दिख रहा है, नए अनजान लोगों उस घर पर आ रहे, उसको लेके जा रहे, तो ये सब येलो अलर्ट है। और ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद में फिर हमारे पास में लेके आते कि इसको संभालो, अभी हमारे हाथ के बाहर निकल गया है। तो इसमें डिसिप्लिन घर में, शिस्त, अनुशासन, शिस्त,
अनुशासनता लाना बहुत जरूरी रहता है, और इसमें माँ बाप को बहुत डर लगता है, क्योंकि अनुशासनता लाए, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट किया तो और भाग जाएगा, तो प्रॉब्लम है। अच्छा, जब भाग जाता है, निकल जाता है, तो ये खुद जाते हैं उसको लाने के लिए कि नहीं भाई कहाँ चले जाएगा। तो ये जो है ना, ये डबल एजेड वेपन है कि भाई मतलब उसको पकड़ के रखा तभी तकलीफ है, छोड़ दिया तभी तकलीफ है। इसमें बहुत ज़्यादा 1-to-1 काउंसिलिंग ये हम करते रहते हैं, और काउंसिलिंग करके हर हफ्ते का उनको टास्क देते हैं माँ बाप को कि हफ्ते में कौन सा टास्क करना है, कितना कठोरता से, कितनी कठोरता से व्यवहार करना, कितना प्यार करना। ऐसा हम उसको पहले चार्ट बना के देते हैं, और चार्ट बना के ये हफ्ते में क्या क्या करना है, किस तरह से उसको रिवार्ड करना है, किस तरह से कंडीशनिंग करना है, किस तरह से उसको समझ मतलब ऐसा कठोरता से कहाँ कहाँ बोलना है उसको, या उसको वार्निंग देना है। ऐसा हम पहले पूरा प्लान कर लेते हैं, और धीरे 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 उसके साथ में मतलब मैं बातचीत नहीं, मैं तो बातचीत करते हैं, मगर मेरे से ज़्यादा मैं पेरेंट्स को ज़्यादा बोलता हूँ कि आप बोलो उसके साथ में, आप बातचीत करो, और आप बातचीत करके उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनाएंगे वो देखो। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत लो रहता है, फ्रस्ट्रेट नहीं कर पाते ज़्यादा, मतलब उनको चीज़ मांगी तो मिलना चाहिए जल्दी, ऐसा रहता है उनका, तो वो बढ़ाना पड़ेगा। और धीरे 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 इसमें फ़र्क पड़ते जाता है। इसमें मिथाइल फिनिडिन हम कोशिश करते हैं, फिर मोडाफिनिल जो है वो हम देते रहते हैं, एटोमोक्सेटिन दवाई देते हैं, बहुत ज़्यादा कंडक्ट डिसऑर्डर है तो माइल्ड डोसेस ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन वो भी देते रहते हैं। मगर मेडिकेशन से ज़्यादा काउंसिलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और काउंसिलिंग से इसमें माँ बाप की काउंसिलिंग बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उसके साथ साथ मैं बच्चों को साथ में लेकर बैठता हूँ, बड़ा बच्चा रहा समझदार है तो उसको बोलता हूँ कि तुम्हारे गोल्स क्या है, आखिर करना क्या चाहते हो लाइफ में, गोल पक्का क्या है, बनना क्या है, आगे करियर क्या करने का है। तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लाइफ की लेने के लिए हम काउंसिलिंग करते हैं, और उसके साथ में वो बढ़ते जाता है। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।